गाइस, आज की डेट में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है टू गेट द बेस्ट 5G फोन। मतलब 5G के नाम पे समटाइम्स द फोन्स दैट वी गेट नाउ, उसमें इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि लगता है कि कोई बेस्ट 5G फोन है ही नहीं। बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू से हेलो मोटो G54, बिकॉज ये जो फोन है मुझे ऐसा लगता है कि इज अ कंप्लीट पैकेज। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अमेजिंग 5G फोन, दिस वुड बी द आंसर। तो आज अब इस वीडियो का इतनी लाइक और शेयर करते हुए हम करते हैं अनबॉक्स इसी नए मोटो G54 5G को और देखते हैं कि इसके अंदर मोटोरोला ने क्या कुछ पैक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, टू बिगिन विद, हमारे पास में स्टैंडर्ड स्टाइल में मोटोरोला की पैकेजिंग है और द बेस्ट पार्ट जो मोटो के फोन्स में होता है वो ये कि केस फोन के साथ लग के मिलता है हमको। एंड दिस इज बाय द वे पर्ल ब्लू कलर ऑफ द मोटो G54। सामने कुछ हमको बेसिक यू नो स्पेक्स लिखी हुई मिल जाती हैं। इफ यू गो डीप तो नीचे हमारे पास में है कुछ रीडिंग मटेरियल अलॉन्ग विद द सिम ट्रे, साथ में फिर हमारे पास में एक USB A to C केबल है एंड वी हैव ओके लेट्स सी, इट्स अ 33 वॉट्स फास्ट चार्जर फॉर दिस फोन। और अगर हम फोन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन साथ में है। ओह दिस इज नाइस, आई मीन एकदम मैट फिनिश में आपको ये जो ब्लू कलर मिल रहा है ना, द ऑल न्यू पर्ल ब्लू, लुक्स वेरी फ्रेश। और सामने हमारे पास में जैसे हम इसको हटाते हैं, सुनना बनता है ना हेलो मोटो। हेलो मोटो, क्या बात है। हेलो मोटो, गाइस आप देखो इस फोन को ध्यान से एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट कि अंदर क्या पैक किया है मोटोरोला ने। So guys, meet the all new Moto G54 5G. I mean, you know, it's unimaginable. अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं कि इतना सब कुछ मोटो ने एक डिवाइस में पैक कैसे किया है। You know, let's have a physical overview first. तो पीछे हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा सा मैट फिनिश के साथ में आने वाला बैक पैनल है, गिविंग यू नाइस ग्रेडियंट। एट द सेम टाइम ना फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं और ये PMMA मटेरियल से बना है जो कि मोटोरोला अक्सर यूज करते हैं इन देयर डिवाइसेज। जो फ्रेम है हमारे पास में राइट साइड में फ्लैट ऐसा पूरा डिजाइन लेके आते हैं, जहां पे साथ में है एक पावर लॉक अनलॉक बटन के साथ में आने वाला इंटीग्रेटेड साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट स्कैनर। इसके साथ में बटन्स हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है एंड यहां पे लिखा है डॉल्बी एटमॉस, क्लियरली टेलिंग अस कि यहां पे हमको प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं, व्हिच इज रियली गुड। लेफ्ट साइड में हमारे पास में ये एक सिम ट्रे है ऑफ हाइब्रिड स्टाइल और नीचे हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। पीछे अगर हम देखते हैं तो आइकॉनिक मोटोरोला का लोगो एंड देन वी हैव अ ड्यूअल कैम सेटअप। इट्स अ वेरी गुड सेटअप स्पेशली इन दिस प्राइस। आपको बताऊंगा वी हैव अ 50+8 मेगापिक्सल सेटअप, लेकिन एग्जैक्ट क्या हम बाद में आगे बात करेंगे। सामने अगर आप देखोगे तो वी हैव अ 6.5 इंच 120Hz वाला फुल HD+ IPS LCD पैनल एंड आई मीन लुकिंग एट द ब्राइटनेस या कलर्स या Fluidity, I must say कि मतलब जो स्क्रीन है उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। एट द सेम टाइम हमारे पास में पंच होल स्टाइल में अवेलेबल है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। नाउ गाइस, अगर हम अंदर की बात करते हैं ना तो यहाँ पे इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी कि मोटोरोला जो काम अक्सर करता हुआ आता है ना कि ब्रिंगिंग द फर्स्ट चिप इन इंडिया मल्टीपल टाइम्स हमने देखा इन द पास्ट, इस बार इस फोन में भी एक नई फ्रेश चिप हमको मिल रही है। इट इज द डायमेंसिटी 7020 जो कि 6 नैनोमीटर्स के ऊपर बेस्ड है एंड इंडिया का सबसे पहला फोन यही है जिसमें ये प्रोसेसर को मोटोरोला ने यूज किया है। साथ में हमारे पास में दो अलग अलग ऑप्शन है ऑफ 8GB RAM एंड 12GB RAM इन दिस प्राइस ब्रैकेट बाय द वे। साथ में जो स्टोरेज है उसके अंदर भी दो अलग अलग ऑप्शंस हैं ऑफ 128GB एंड 256GB। अगर बैटरी की बात करते हैं तो दिस इज डेफिनेटली अ लॉन्ग लास्टिंग स्मार्टफोन बिकॉज 6000mAh की हमारे पास में बैटरी है एंड सपोर्ट फॉर 33 वॉट्स ऑफ चार्जिंग। चार्जर तो आपने देखा ही है, बॉक्स हमको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बाकी चीजों की तो राइट नाउ इट्स रनिंग ऑन एंड्रॉइड 13। मोटोरोला की तरफ से द बेस्ट पार्ट इज कि इट इज अ कंप्लीट क्लीन स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस। अगेन एट द सेम टाइम कस्टमाइजेशन भी बहुत सारा अवेलेबल है और जो मोटो स्पेसिफिक फीचर्स आपको पता है ना, थिंग्स लाइक सी मैं हर बार करता हूँ लेकिन जितनी बार करता हूँ उतना मजा आता है,
Yes. तो ये जो चीज है कि आपने चॉप चॉप से टॉर्च को ऑन किया, चॉप चॉप से टॉर्च को बंद किया, ट्विस्ट किया तो कैमरा ऑन हो गया, ट्विस्ट किया तो आपने कैमरा फ्रंट या रियर में स्विच कर लिया, ऑल दीज थिंग्स कमिंग टुगेदर. इसके अलावा द वे यू कैन कस्टमाइज दिस ना, मुझे लगता है कि एक अच्छा क्लीन हमको जो एक्सपीरियंस मिलता है, यू नो, एट द सेम टाइम गिविंग यू द फंक्शनैलिटी, वो सब इस फोन में आप एंजॉय कर पाएंगे और वो आपको इस फोन में मिलता है. एंड्रॉयड 14 का अश्योर्ड अपग्रेड आने वाला है और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे इस फोन में. और अगर हम बात करते हैं कैमराज की, थिंग्स गेट रियली एक्साइटिंग बिकॉज हमारे पास में ये जो कैमरा आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो लगा है, दिस इज अ 50 megapixel प्राइमरी कैमरा विद एपर्चर ऑफ f1.8 एंड यहां पे हमारे पास में OIS है. तो मतलब यू कैन इमेजिन कि कैमरा परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है. साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि अक्सर हमको नहीं मिलता है, यू नो, सैडली अभी, यू नो, इन दिनों इस प्राइस ब्रैकेट में. एट द सेम टाइम अल्ट्रा वाइड तो है ही है, ये ऑटो फोकस के साथ में आता है तो मतलब मैक्रो वाला काम भी कर सकता है. एंड अभी जो आप ये सारे शॉट्स देख रहे हो, ये हमने इसी फोन के रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए हैं, यू नो, द सेल्फीज या वाइड एंगल शॉट्स या मैक्रो शॉट्स या, यू नो, इन जनरल जो सारे शॉट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी इस फोन से हमने क्लिक किए हैं. यू कैन हैव अ क्लोजर लुक एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये शॉट्स कैसे लग रहे हैं. बाकी का अगर हम बात करते हैं फोन की ना, तो मेरे ख्याल से ऑल द पिलर्स ऑफ, यू नो, अ गुड फोन जहां पे वी हैव अ गुड हार्डवेयर, बैटरी या डिजाइन की अगर हम बात करते हैं, स्क्रीन की हम बात करते हैं, कैमरा की अगर हम बात करते हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एंड कपल्ड विद अ गुड सॉफ्टवेयर. तो ये फोन है मोटोरोला का G54. प्राइसिंग इज रियली एक्साइटिंग बिकॉज हमारे पास में 2 अलग-अलग वेरियंट्स हैं. जो इसका बेस वेरियंट है विद 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 15,999 रुपीज. और जो इसका हाई एंड वेरिएंट है विद 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, इसकी प्राइस है 18,999 रुपीस. बट अभी हमारे पास में कुछ एक्साइटिंग लॉन्च ऑफर्स हैं जो इफेक्टिव प्राइस बन जाती है फॉर द बेस वेरिएंट. इट्स 14,499 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए. एंड फॉर दिस 12GB रैम इस बजट में, मुझे नहीं पता कि मैंने कभी इमेजिन भी किया था, हमें मिल रहा है 17,499 रुपए में 12GB रैम, 256GB की स्टोरेज. और ये है मोटोरोला का G54. एंड इसके अलावा, यू नो, इफ आई टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स एज वेल, तो अच्छी बात ये है कि दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूज विद द मोटोरोला'स प्रॉमिस ऑफ, यू नो, डिलीवरिंग द राइट 5G एक्सपीरियंस. बिकॉज इस फोन में 14 5G बैंड्स हैं, तो मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट. या IP52 रेटिंग है फॉर एग्जांपल, या मोटो का जो पूरा सिक्योर एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, नो थिंक शील्ड सिक्योरिटी जो है, तो वो सब इस फोन में है. तो बजट फोन तो है, बट द सेम टाइम मेरे ख्याल से जो फीचर्स हमको मिलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं फॉर दिस मोटो G54. एंड अच्छे से मुझे याद आया इसकी प्रोटेक्शन जो कि पैंडा ग्लास की है स्क्रीन के ऊपर, जो मोटोरोला अक्सर यूज करता है, तो वाई नॉट डू दिस. Yes, really secure. कोई टेंशन नहीं है. सो दिस इज द मोटो G54 गाइज. आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, व्हाट्स योर टेक, एंड यू नो, क्या आपको लगता है ऐसा कि मोटोरोला इज, यू नो, मूविंग द राइट पाथ, हमें जो एक्साइटिंग डिवाइसेस मिल रहे हैं विद दिस हार्डवेयर एट दिस प्राइस. नीचे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, मन की बातें लिखना मत भूलना. मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.